हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी चश्मा। इन लास्ट वीडियो हमने फर्स्ट चैप्टर का पढ़ा था, उसके बारे में समझा था। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड पैट्रिक्स थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ, व्हाट वॉज इट रियली। पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही है और वो सच्चाई में क्या था। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक सोच रहा था कि उसके जो कैट है वो किसके साथ खेल रही है, लिटिल डॉल के साथ। बट इन रियलिटी इट वॉज अ वेरी स्मॉल साइज मैन एंड एल्फ। बट वो सच्चाई में क्या था, एक छोटा सा मैन था, बहुत स्मॉल साइज का मैन था, जिसे हम एल्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। छोटे लिटिल मैन ने पैट्रिक को एक विश क्यों ग्रांट की थी, क्यों दिया था परमिशन, क्योंकि एक तुम विश मांग लो। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश एज पैट्रिक हैड सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम द कैट। क्योंकि जो लिटिल मैन था उसने उसे क्यों करी थी, क्योंकि पैट्रिक ने उसकी लाइफ बचाई थी कैट से। ओके, क्वेश्चन थ्री इज, व्हाट वॉज द पैट्रिक्स विश, पैट्रिक की इच्छा क्या थी। एंड द आंसर इज, पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क। हमने लेसन में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं था। सो ही मेड अ विश दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन। सो इसीलिए उसने विश की लिटिल मैन से कि उसका सारा होमवर्क लिटिल मैन करेगा जब तक कि उसका सेशन एंड नहीं हो जाता। क्वेश्चन नंबर फोर इज, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। किस किस सब्जेक्ट में लिटिल मैन ने उसकी हेल्प मांगी थी पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए, लिटिल मैन को जरूरत थी होमवर्क करने के लिए उसकी हेल्प की। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे, लिटिल मैन वॉज वीक इन मैथ्स इंग्लिश एंड हिस्ट्री। जो लिटिल मैन था वो कम वीक था मैथ्स में, इंग्लिश में, हिस्ट्री में। सो ही नीडिड पैट्रिक्स हेल्प इन दीज सब्जेक्ट। तो इसीलिए पैट्रिक ने उसकी मदद की थी इन सब्जेक्ट में, तो पैट्रिक की उसे हेल्प इन सब्जेक्ट्स में चाहिए थी। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसकी कैसे हेल्प की। पैट्रिक सेट असाइड बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम टू डू होमवर्क। पैट्रिक क्या करता था, लिटिल मैन के साथ बैठता था और उसे गाइड करता था कि भाई ऐसे कर ऐसे कर। मोर ओवर ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम। इसके अलावा वो क्या करता था, लाइब्रेरी जाता था, वहाँ से बुक्स लाता था और उसके लिए वो सब पढ़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तुम्हें क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, लिटिल मैन ने किया या पैट्रिक ने खुद किया। अपना आंसर जो है आप रीजन के साथ दो। इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड द ऑल द होमवर्क। ये पैट्रिक ही था जो सारा होमवर्क खुद करता था, बिकॉज ही हैड टू असिस्ट द एल्फ अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक्स। क्योंकि उसकी उसको क्या करना पड़ता था, एल्फ की हेल्प करनी पड़ती थी, बार 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 उसको बुक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके सारे चैप्टर्स के वीडियो लेकर आती रहूँगी, जिसमें मैं आपको लेसन समझाऊँगी और उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ क्वेरी है जो आपको समझ नहीं आता, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।